जम्मू के बडगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में दो आतंकवादियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बडगाम जहां पर दो आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। ये आतंकवादी बडगाम के रिहायशी इलाके खान साहिब में छिपे हुए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की और इसके बाद आतंकवादियों को करारा जवाब दिया गया। दो आतंकवादी मार गिराए गए। एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों के समर्थक भड़क गए और उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजों में महिलाएं इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पत्थरबाजी करती महिलाओं की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इनकाउंटर सुरक्षा बलों ने किया आतंकवादियों का, दो आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन किस तरीके से आतंकवाद को समर्थन मिला स्थानीयों का, जिसमें खासतौर से महिलाओं की ये तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है, पत्थरबाजी करती महिलाएं, विरोध प्रदर्शन करती महिलाएं। इससे पहले भी कई मौकों पर महिलाएं सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करती दिख चुकी हैं। सुरक्षा बलों पर इस पत्थरबाजी ने एक बार फिर साबित किया कि घाटी में आतंकवादियों के समर्थक मौजूद हैं। तो दो आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी सुरक्षा बलों पर, लेकिन निशाने पर लिया गया सुरक्षा बलों को, पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी में महिलाएं सबसे आगे नजर आई। ये दो तस्वीरें आपके सामने, कश्मीर में किस तरीके से नफरत के पत्थर बरसे उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बडगाम में महिलाओं का ये प्रदर्शन, पत्थरबाजी भी महिलाओं ने की है सुरक्षा बलों पर। सुरक्षा बल जो बडगाम के खान साहिब इलाका रिहायशी इलाका है, वहां पर जो इनकाउंटर चल रहा था उसमें आतंकवादियों को घेरे हुए थे। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी इस लिहाज से मिली कि दो आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब हुए, लेकिन इसके बाद देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर से महिलाएं, वो सामने आई और उनकी तरफ से सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई और साथ ही साथ ये विरोध प्रदर्शन। तो कश्मीर में नफरत के बरसे पत्थर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।